हर वे पर्सन पोटेंशियल पे लिव कर पा रहे हैं, अपने टाइम को एग्जैक्टली उस तरह मैनेज कर पा रहे हैं जिस तरह आप चाहते हैं, आपकी लाइफ ऑप्टिमम पे चल रही है, जो समझता है वो हाथ खड़ा करे। सो वी नो वन, नो वन, क्यों? क्योंकि वी डोंट वैल्यू दिस एज। मैं चाहता हूं कि आप ना एक दफा ताली बजाए जब मैं 3-2-1 गो कहूंगा, और एक दफा बजा दिया, राइट, मल्टीपल टाइम्स नहीं बजाएंगे, जस्ट नॉट वंस, ओके। और मैं चाहता हूं कि आप सब ऐसे बजाएं कि एक ताली की आवाज आए, आप उनमें सिंक्रोनाइजेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? रेडी है? ओके, 3-2-1, ओके। डू यू थिंक यू कैन डू इट बेटर? यस। नो? यस? यस। ओके, 3-2-1, इट वाज बेटर, राइट? But you can think you can do it much better. Yes. Okay, 3-2-1. Very good. You know, every time it gets better and better and better. लेकिन हम लोग की ज़िंदगी है ना, वो पहले ताली पे गुजार देते हैं। पहले जो हमने एफर्ट की थी जिस डिग्री की, पहले जो हमने एफर्ट की जिस जॉब की, बस एक एफर्ट की थी ना, पहले बस ज़िंदगी चल रही है ना, चलने दो। ज़िंदगी गुजर रही है ना, तो चलने दो। माँ बाप उन पर खर्च कर रहे हैं, खर्च ले दो। मुल्क के हालात ऐसे हैं, तो हालात बनेंगे ऐसे, मैं कुछ नहीं कर सकता। वी नेवर ट्राई टू लिव फॉर 100%, वी नेवर ट्राई टू अचीव योर ड्रीम इन आवर लाइफ। आप लोगों से किसने गोल्ड फिश देखी है? हाथ खड़ा कर, गोल्ड फिश एक्वेरियम में हाथ हल्का नहीं खड़ा करना, ऐसा लग रहा है। कितनी होती है गोल्ड फिश, क्या साइज होता है उसका? 2 सेंटीमीटर्स। और इससे बड़ी किसने देखी है? Anyone? इससे बड़ी किसने देखी है? आप इसी गोल्ड फिश को उठाएं और बड़े एक्वेरियम में डालें, इट विल ग्रो इन साइज। और अगर आप डैम में डाल दें, रावल डैम में डाल दें या जो भी लेक से उसको डाल दें, इट ग्रो 7-10 times bigger in size। मगर वो सारी जिंदगी एक्वेरियम में गुजारती है और इससे बड़ी नहीं होती। जैसे गोल्ड फिश एक्वेरियम के साइज से बड़ी नहीं हो सकती, आप अपनी सोच से ऊपर नहीं जा सकते। आप अपनी सोच के साइज तक ही पेंडुलम फिरते रहते हैं, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप इस सोच जहां भी होंगे तो आप जाए आप पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे। एज द गोल्ड फिश के नॉट एक्सीड द साइज ऑफ इट्स एक्वेरियम, यू कैन नॉट एक्सीड द साइज ऑफ योर थिंकिंग। सो थिंक बिग। और हमारे आज के नौजवान नस्ल है, हमारा यूथ हम किस तरह दिन गुजार रहा है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि वो इतनी पांच और एवरी मन सुबह उठा नौ बार हाई अल्लाह सला हाई अल्लाह सला बाद वो सुबह उठा नाचने और गाने वाले की आवाज पे उसका जो अलार्म क्लॉक था वो था वॉइस ऑफ म्यूजिशियन, वॉइस ऑफ लेडी गागा और कुलदीप के और फुल बैक और जस्टिन बीबर और फानी स्वास्थ्य के। 6 बजे नहीं होता सुबह भजन के लिए, वो 8 बजे होता आजाद में नहीं होता, वो गाने गाने की आवाज़ कर होता और उठते हैं और कहते हैं मेरी क्लास यूनिवर्सिटी हिडन प्लेयर और भजन प्लेयर और ही गोज टू हिज वार्ड रोब, वो अपनी अलमारी खोलते हैं और देखते हैं कि कौन से कपड़े पहने, तो ही सिलेक्ट द मोस्ट लाउडेस्ट द मोस्ट अट्रैक्टिव द मोस्ट अल्यूरिंग एंड विच शोज व्हाट शुड शो, वो कपड़े पहनते हैं जो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करें लोगों को, वो पहनते हैं निकलते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ। और वो देखते हैं उसके जहन में क्या है कि बस बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए लाइफ में, अच्छी शादी पसंद भी हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी का मकसद ही है, छोटी सोच होती है। और उसको जब निकलता है तो उसको बिल्कुल भी नहीं कहते हैं खा ले पी ले जी ले मन की मान दिल की मान Why not be charged? You will put those people apart from each other. And then when university or college comes, they are meeting the same people with same mentality. They have the same thoughts, same visions of their own. If someone has 5 canals, then someone has 4 canals. I mean, I am not saying to have 10 canals, but I am saying to have big visions in life to achieve much more than Ummat ki leadership se bhalne ke vision. और फिर वो अगर उसमें मुनाफी हो और वहां से भाग के आए अपने घर में तो लो एंड बिहोल्ड 65 इंच टीवी इज वेटिंग फॉर हिम टू गिव द सेम मैसेजेस गिव द सेम लाइफ टाइम। अगर वो वहां से भाग के अपने कमरे में चले जाए बेडरूम में, सिंस आई हैव रीच्ड आवर बेडरूम वी कॉल्ड अ
cell phone. We got a laptop. Since I want to move it. 10 साल पहले ना इतना आसानी से गुनाह करता जब मैं अपनी जहालत पे था और जब मैं दीन पे नहीं था तो उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था और हम स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स नहीं किया करते थे और ये इंस्टाग्राम नहीं था, नया नया फेसबुक आया हुआ था जिससे बड़ी लिमिटेड कन्वर्सेशन थी, ग्रुप्स भी नहीं बनते थे। तो और उससे आप 20 साल पहले चले जाए तो यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू कमिट अ सिन, खत लिखना पड़ता था, जाना पड़ता था गुनाह करने के लिए, ईमेल करने के लिए दो लोग चाहिए होते थे, मगर अब दो लोग नहीं चाहिए। आप घर में अपने कंफर्ट में बैठे हैं और लैपटॉप फोन में निकाला और उसको लिखना शुरू कर दिया और किसी को मैसेज भेज दिया, ये बिल्कुल नहीं। आंखों का जिनाब करने के लिए कहीं जाना पड़ता था, अब इट्स वन टच अवे, इट्स वन टच अवे। So that this is how we are wasting our youth, we are wasting our seconds. और अभी तो रमजान का महीना आ रहा है और रमजान के महीने हमारी ब्रेन पता क्या करता है कि अल्लाह के बंदो वो खाना जो हलाल है वो बिरयानी वो टिक्का वो रोजा वो मिल्क शेक वो पॉरेज और कॉर्नफ्लेक्स जो हलाल है तुम अल्लाह के हुक्म की वजह से तुम फजर के टाइम से लेकर मगरिब में नहीं खाते, उससे पहले भी खाते हो उससे बाद भी खाते हो, घर पे कोई भी नहीं है और फ्रिज भरा हुआ है मजे के जूस से और ठंडे पानी से, तुम्हें प्यास लग रही है मगर तुम नहीं पीते हो, ये अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह के बंदो तुम बाकी 11 महीने में अल्लाह के हुक्म की वजह से हराम भी नहीं छोड़ सकते हो। जिस रब ने भूख और प्यास से रोकने का मना किया और खाने पीने से रोकने का मना किया तो उसकी बात मानते हुए तो अंदर ट्रेनिंग कर रहे हो कि मेहनत नहीं, जब घर पे कोई भी नहीं है ना किसी को पता चलेगा आपने पानी पी लिया, ना कोई जान पाएगा कि आपने 2-3 स्ट्रॉबेरीज खा ली, नहीं कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं रोकते रहते हैं कि मेरे रब का होगा मेरे अल्लाह का होगा। जिस तरफ ने हालात को कुछ देर के लिए मना कर दिया और हम नहीं खाते तो जो हराम बाकी 11 महीनों में हम करते हैं हम उसे क्यों नहीं रोकते, हमारी जिंदगी का जो लंबा है ना वो इतना कीमती है मैं आपको बता नहीं सकता। जो हमारे नेक लोग थे ना सरस वाले ही आर पायस की सिसिल से वो कहते थे कि अगर हमें मालूम पड़ जाए कि हमें कल मौत आनी है we would not be able to increase anything in our life because we are already running on our optimum, अगर हमें मालूम हो जाए कि कल मौत आनी है तो हम कुछ और नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हम रोजाना वही कर रहे हैं जो ऐसे जैसे आजाद बन जाएंगे। और अगर मुझे और आपको डॉक्टर साहब कह दें कि यू हैव अ वीक टू लिव, ये बताएं हमारी जिंदगी सेम रहेगी जिस तरह आजकल चल रही है या वो हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। हम क्या करेंगे, इबादत करेंगे, तौबा इस्तिगफार करेंगे, मस्जिद में चले जाएंगे, अपने माल से ऑर्फनेज बना देंगे और क्या कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू हो जाएंगे। हमें एक डॉक्टर की बात मुझे यकीन आ गया कि तुम जल्दी मर जाओगे लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं बिल्कुल नफ्स ज़ाहिर कर लो, तुम सब एक दिन चले जाओगे, हम इधर नहीं जा रहा, आपको बात की जरूरत नहीं है, आपको बात का कुरान है, दिस लाइफ इज वेरी टेम्पररी। सो अपने सेकंड्स को अपने लम्हात को ये टिकटॉक पे और फेसबुक पे जाया ना करें, हाँ अच्छे काम करने करें। सोशल मीडिया इज अ बिग प्लेटफॉर्म, आप देखते हैं कि हम लोग इसको जिस तरह से यूज करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फजल है, लेकिन डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर सेकंड्स इन लाइफ, आपका एक एक लम्हा बहुत कीमती है। फॉर एग्जांपल जो आप एक एक सेकंड क्लॉक टिक कर रही है ना कितना कीमती है, मैं आपको उसका मिसाल लिख सकता हूं। जस्ट इमेजिन आप अगर किसी डेजर्ट में जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ और गाड़ी में जा रहे हैं एंड द कार ब्रेक डाउन, गाड़ी खराब हो जाती है और आप सहरा के बीच में, आपके पास खाना पीना भी 2-4 घंटों का था क्योंकि आपको मालूम था कि आज रात में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन आपके सिग्नल्स भी नहीं आ रहे वहां पे और वहां पे खाना पीना भी खत्म होता जा रहा है, मगर की नमाज हो रही है, आप भागते हैं और आपके छोटे बहन और भाई और माँ बाप पानी के नाम की वजह से डिहाइड्रेशन से रोना चीख और चिल्ला रहे हैं और रोने रो रहे हैं कि हमें पानी दो, हमें पानी चाहिए वरना मर जाएंगे, और आप भागते हैं मैं किसी तरह से पानी ला के दूँ और आप जाते हैं 2-3 किलोमीटर दूर, आप देखते हैं कि छोटी सी चुट्टी बनी हुई है, मगर आप घूमते क्या 5-5 पानी का समझेगा उसके अंदर घुसते आप उसमें पानी नहीं मिलता,
आप उसके पीछे से निकलते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, देखते हैं एक कुआं है और उसमें एक टीन का डब्बा पड़ा है साइड पे जिसमें सन लगा हुआ है। आप कहते हैं जिस जो पानी मिल गया आप उस टीन के डब्बे को फेंकते हैं और रस्ते उसको खींचते हैं और खींचते हैं, लेकिन जब टीन का डब्बा निकलता है तो उसमें देखते हैं उसमें 200-300 राख खींच लेते हैं जिससे पानी निकल रहा है। आप उसको दोबारा फेंकते हैं कि मैं फुल भरेगा तो मैं लेके जाऊंगा और फुल भरता तो भागते हैं, मगर आप देख रहे हैं कि उसमें से पानी गिरता जा रहा है और कम होता जा रहा है। बिल्कुल कम होता जा रहा है और एक ही कतरा जो गुजर रहा है तो निकल रहा है उससे आप कहते हैं बस सीना के फिक्स बस बंद कर दो अपने हाथ रखे भी उसको ड्रॉप करने के लिए मगर पानी रुक नहीं रहा। वो जो फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी आपके अंदर है कि मेरा ये पानी जाया हो रहा है और अगर मैं नमाज तक ना पहुँच सका तो मर जाएंगे और अगर हम प्यारे हो जाएंगे इससे ज़्यादा टेंशन और फ्रस्ट्रेशन और परेशान होने चाहिए कि जब हमारा एक एक सेकेंड ज़ाया हो रहा होता है उनको बर्बाद हो गया। हमने कब तक रहने रहे दुनिया में, आज क्या चल रहा है 2022 राइट 2022 आप 0 को 1 कर दें क्या बनेगा 2022 में सिर्फ 100 साल बाद नहीं खान भी एम भी होगा, मुल्तान भी होगा, इस्लामाबाद भी होगा, हर चीज एम भी होगी, मुझे भी कहना आप वहाँ पे होंगे इस जमीन से ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे होंगे। इतनी सो लाइफ हमारी औलाद हमारी बात को डिस्ट्रीब्यूट करे हुए कि अब्बा जी तो चले गए पैसे दो के साथ डिवाइड करते हैं लोग हमें भूल भूल आ जाएंगे हमारे पोते हमें याद नहीं करेंगे कि दादा जी के नाम क्या था मुझे तो नहीं याद बस दादा के नाम होंगे ना वो दुआ करेंगे सिर्फ औलाद ही दुआ करेंगे कभी कभी वो भी हम दिल भी कौन किए और वहाँ से सिर्फ हमारे अमाल काम आएंगे सिर्फ हमारे अमाल काम। मैं फिर सच्चा वाक्य सुनाता हूँ कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ मुझे ना दुबई से एक कॉल आई और वो एक उस्मान भाई थे अल्हम्दुलिल्लाह तला है तलहत मुझे कॉल की कि तो भाई मैं आपके लेक्चर सुनता हूँ और हर तरफ से बड़ा फायदा हो रहा है तो मेरे जो दोस्त है हिंदू है वो मेरा कलीग है वो भी सुनता रहता है कहते यार कमाल है मज़ा आ जाता है ये है वो है तो काफ़ी जब सुनता रहा उसका खुद भी घर जाकर सुने तो वो ना काफ़ी आपसे बात करना चाहता है जो बात कराए मेरी आप उसे उसने मेरे से बात की तो उसने काफ़ी सारे सवाल किए इस नाम के बारे में मैंने उसको जवाब दे दिए कहते कहा भी मैंने हिंदुइज्म छोड़ना है और मैंने इस्लाम कबूल करना है। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई प्रेशर तो नहीं है कोई आपको फोर्स तो नहीं कर रहा मेरे नाम में कोई प्रेशर नहीं है मैं इंडिपेंडेंट हूँ कोई फोर्स नहीं कर रहा मुझे मैंने फिर पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह और उसने पढ़ लिया और बोर होने शुरू हो गया। कहते कि मुझे आज इतनी खुशी हुई कि मैं इस्लाम में आ गया और मुसलमान हो गया आज पहला दिन है। मैंने उसको मुबारकबाद दी और तलहा से बात की मैंने कहा बात सुनो इसको तुमने ना रोज़ा सिखाना है रोज़ा नहीं नमाज सिखानी है गुस्ल का तरीका सिखाना है वजू का तरीका सिखाना है स्टार्ट पर और फिर बाकी अपने को उसको बड़ी बना लो इसको दीन सिखाना है इधर ठीक है। तो उसने ना रोहित नाम था उसका रोहित शर्मा पूरा नाम था उसने मुझे कॉल उसने मुझे कहा भाई आई वांट टू चेंज माय नेम एंड आई इंसिस्ट कि आप मेरा नाम रखें। मैंने कहा यार मगरिब की अजान हो रही है आई हैव टू लीव जमात खड़ी हो जाएगी तो आप अपने फैमिली वालों से ना मशवरा करके अपना नाम रख लेना कुछ जल्दी ना करो। कहते नहीं साहब आप मेरा नाम रखें आई इंसिस्ट कि आप मेरा नाम रखेंगे। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा अल्लाह ताला को ना दो नाम बड़े पसंद है एक अब्दुल्लाह और एक अब्दुलरहमान और मेरे जो बेटे हैं 7 साल का उसका नाम भी अब्दुल्ला है। मैंने कहा आज मेरा नाम का भी अब्दुल्ला नाम अब्दुल्ला शर्मा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कहते हैं आज मेरा अब्दुल्ला है अल्हम्दुलिल्लाह। 3-4 दिन गुजरे मुझे तलाक की कॉल है कि फाजिल कल रात रोहित अपने बेड पे सोया और सुबह उठा ही नहीं कहते गाड़ी का रेस्ट हुआ रात को नींद नहीं वो सुबह उठा ही नहीं जिस दाएं पास हो मैंने कहा ये मेरे दाएं को इतना मेरा शोर और अल्लाह की तरफ से आए अल्लाह के पास जाने और मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अल्लाह ने एक जान को आग से बचा लिया
जैसे नाम ही अच्छी खबर सुना मैं भी अच्छी सुना है कहते हैं उसका जो दुबई में कार्ड था ना जिसमें हमारा आई डी कार्ड होता है जैसे उनका कार्ड था क्योंकि उसमें ना जो रिलीजन लिखा हुआ था हिंदू से लिखा हुआ था कहते हैं उसको गवारा नहीं था कि मेरे कार्ड पे एक दिन भी ज़्यादा ये रिलीजन हिंदू लिखा हो वो अगले दिन गया कंसर्न डिपार्टमेंट में उसका नाम चेंज करवाया और तीन चार दिन का टाइम लगता है तो अभी उसकी मौत से पहले कुछ से पहले उसको कार्ड नसीब हुआ अगर वो उसको कार्ड नसीब ना होता तो डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम उसका रिलीजन हिंदू ही होता तो उसको हिंदू ही कब्रिस्तान में ले जाया जाता और उसकी बॉडी को वहाँ पर जला दिया जाता लेकिन तो अभी अलहमदिल्ला वो कार्ड बन के आ गया था आज हमने उसका गुस्ल किया है उसको कफन पहनाया है उसका हमने जनाजा पढ़ा है मस्जिद में और अभी मुसलमानों में कब्रिस्तान में उसको दफनाया जा रहा है मैं बड़ा हैरान हुआ ये सब सुन के मैंने कहा मैं सोचने शुरू हो गया कि अगर इतना इंतजार कर लेता थोड़ा वेट कर लेता और शैतान के ऐसे पास नहीं आया होगा कि तुम रिपेयर कर जरा अभी तुम्हें मजीद रिसर्च कर ले अभी तुम कितने बिजी हो ये तुम्हारा वीक काफी बिजी चल रहा था कुछ दिन बाद स्टाफ का जल्दी बड़ी होती है स्टाफ का तुम करने की आखिर रिलीजन चेंज करोगे मजाक से शैतान नहीं है वैसे पास जो शैतान हमारे पास हमारी नमाज जिले करवाने के बाद है वो तो हिंदू इस्लाम का बुल रहा था वो नहीं आया होगा आया था उसके पास उसने उसको सुना नहीं तो शैतान ऑलवेज यूजिंग uses delay tactics. एक सरफ थे अपने बिस्तर मर्ग पे थे लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप हमें नसीहत करें एडवाइस आस उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा अंजर तो तुम सब अंजर तो तुम सब आई वॉन्ट यू अगेंस्ट सेइंग आई विल नेवर से आई विल स्टार्ट थिंग वन डे I will start taking hijab one day. I will be a good person one day. I will stop cheating one day. I will stop lying one day. Never say I will stop lying one day. Rather do it right now. अभी rather करो right now. देखो शैतान आपको ये नहीं कहेगा कि नमाज ना पढ़ो लेकिन पढ़ो लेकिन अभी ना कल से पढ़ो अभी देखो ग्रेजुएशन कर लो शादी हो जाएगी फिर हिजाब शुरू करना अभी ना करो रिश्ते नहीं आएंगे एक बार जॉब मिल जाए एक दफा घर बना लो अपना फिर दिन पे आ जाओ अभी ना आना वन डे आई विल स्टार्ट डूइंग वन डे नेवर से आई विल बस कुछ पता नहीं है इनका मौत आ जाए कुछ पता नहीं है मेरे दो दोस्त थे हम इस्लामाबाद में ना जो वो रिफ्लेक्टर्स के बगैर थे सीमेंटेड ब्लॉक में दो रिफ्लेक्टर्स थे बाद में मैंने केस भी किया आईटीबी में लेकिन वो ये कि वो तेज आ रहे थे अचानक से ब्लॉक सामने हमें नजर नहीं आया दोनों ठक करके लगे उसके अंदर जब वो डाइव ऑन स्पॉट उनकी हड्डी टूटी हुई थी मेरे पास वीडियो लगी है उनको ना पुलिस वाले उठा के ना ऐसे और उनके ना जैसा यहाँ से उठा तो ये स्ट्रेट होती है जगह बस यहाँ से यहाँ तक उनकी स्ट्रेट भी बैठ हो गई पूरी बॉडी उनकी ना बिल्कुल ऐसे थी कपड़े फटे हुए थे इंटैक्ट की वजह से और शर्टें फटी हुई थी और जैकेट फटी हुई थी और बिल्कुल उनकी गर्दन भी ऐसे थे और पुलिस वाले टारगेट में रोड कर गाड़ी में डाल देते यंग नौजवान खूबसूरत लड़के मार भी पास से भी हर चीज थी इमेजिन करें कि उनको मालूम थे कि वो आसान मर जाएंगे जी मुलाकात नहीं होगी
उनको नहीं मालूम था कि जिंदा तो मैं घर से निकल रहा हूँ, इसके बाद मेरी मैयत निकल के आया है। अब हम देखें कि हम बड़े लंबी लंबी जिंदगी के वादे और वादे करते रहते हैं। शैतान कहते हैं कि यू विल लिव अ लॉन्ग लाइफ, तूने लंबा रहना है, तूने 60-70 साल जिंदगी गुजारनी है, तू जल्दी नहीं मरेगा, तेरे माँ बाप जब तुझसे पहले चले जाए, तेरे रिलेटिव से पहले चले जाए, हाँ फलां पैसा उसको तू बीमारी भी है वो जब पहले चले जाए, तू तू बड़ा लंबा गुजारेगा। एक मेरे जानने वाले थे मेजर थे आर्मी में, 6 फुट का था उनका और बिल्कुल ऐसे ना लश्करे से थे, तो वो वेरी टॉप नॉच ऑफिसर और खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन पे आ गया, पहले दीन से दूर थे, और जब आए तो उनके ना यानी अल्लाह तआला ने ना सिचुएट थे तो उसको ना मुस्लिम जमी डिजीज हो एंफिलोसिस कॉन्ट्रैक्टर्स हो गई और मुस्लिम सर्च हो गई, वो हॉस्पिटल में पड़े रहे। अच्छा मैं और मेरे शेख हमें की हेल्प करने के लिए गए, हम उसे मिल रहे थे, कहते सब बातें छोड़े मैं एक बात बताता हूँ, जितने मेरे रिलेटिव आए मेरे पास मुझे मिलने के लिए, ये सोचते हुए कि ये जल्दी चला जाएगा दुनिया से, मैं अपनी उंगलियों पे 9 रिलेटिव देख के बता सकता हूँ कि वो मुझसे पहले चले गए थे, वो आते मेरी हेल्प के लिए और ये सोच रहे थे कि ये मुझसे हमसे पहले चला जाएगा, इसमें कुछ दिन लगे हैं, लेकिन आज अपने घरों में और मैं यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मेरे दोस्त का हम दौरे चला लिए थे, वो इतने के रैप में किया करते थे, फास्ट में बढ़ता था उसको दिन में ही हार्ट अटैक हुआ ही डाइड। एक और दोस्त था जीशान, हम स्विमिंग करते थे इंडस इंडस रिवर में, वो पानी में गया ड्राम नेवर केम बैक, कितने दो में तो शैतान ने मुझे तुम्हें क्यों गुमराह किया हुआ कि तुमने बहुत लंबा रहना है, आज इरादा करें आज से बड़ी इरादा करें और आज अहम करें कि हम एक नई जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह, हम कुरान को अपने सीने से लगाएंगे इंशाल्लाह, हम सीरत रसूल को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और मैं आपको ना एक अल्लाह के जरिए खुशखबरी और एक अल्लाह के जरिए तरकीब ला के जाता हूँ आज, और ये मेरी आखिरी बात होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी आप लोगों के लिए और तरकीब दी, हम बिजनेस के ना बिजनेस एथिक्स के एक रूल पढ़ाते होते हैं कि विद हायर रिस्क ग्रेटर द प्रॉफिट, ठीक है, विद ग्रेटर रिस्क ग्रेटर प्रॉफिट, विद हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, जिस तरह किसी इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा होता है उसका रिटर्न भी ज्यादा होता है, इस्लाम का भी तकरीबन यही उसूल है, जिस दौर में नेकी करना मुश्किल है उस दौर में नेकी करने का अजर सवाब बहुत ज्यादा है, और जिस दौर में गुनाह करना आसान है उस दौर में गुनाह से बचने का अजर सवाब। रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन वराइकुम अय्याम सबर फीहिन्न मिस्ल क़ब्ज़तुन अला जबर अल-आलमीन फीहा, तुम्हारे ऊपर सफर के दिन आने वाले लोगों और उन दिनों में दीन पे चलना कितना मुश्किल होगा जैसे क़ब्ज़तुन अला जबर, जैसे जलते हुए कोयले को पकड़ना होता है, जलता हुआ कोयला पकड़ना आसान मुश्किल होगा, लोग तुम्हें ताने देंगे, मौलवी हो गया निकाह भी हिजाबी हो गई, तुम परेशान हो गए उनके ताने सुन सुन के, लेकिन तुम्हारे लिए अगर तुमने उस दौर में दीन पे चले तो क्या होगा, फरमाया के अजरु 50 रजुला, उस बंदे का अजरु सवाब 50 के बराबर होगा। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह अजरु 50 मिनका औ मिनकुम, या रसूलुल्लाह हमारे 50 से ज्यादा या और लोगों के 50 से ज्यादा क्या फर्क है, इसका बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, सहाबा का एक इधर और हमारे हजारों लाखों के इधर। तो अल्लाह की बड़ी कहा ऐ मेरे सहाबा बल अजरु 50 मिनकुम, मेरे सहाबा तुम्हारे 50 से ज्यादा है, आप 50 सहाबा जरा कहिए तो सही, अबू बकर उमर उस्मान अली हसन हुसैन खालिद बिन वलीद अबू बादर बिन जर्राह तलहा बिन उबैदुल्लाह सुदैब बिन अलवाम सईद बिन ज़ैद अरकम बिन नबी अरकम कौम बिन औसार कमाल, ये एक एक बंदा पहाड़ है जिबाल है ये लोग, लेकिन अल्लाह की कसम अगर हम इस दौर में दीन पे चलते हैं ना हमें छला सहाबा के साथ साथ क्या मिलते हैं, और अगर दीन पे ना चले और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की और अपने फूल पे जो गुनाह किए
और रिलेशनशिप और हराम काम किए तो फिर अल्लाह की धमकी मिल गई आपको। इट्स टू एंड सोर्ड फरमाया के इन्नी लआनना कौम मिन उम्मती यातून यौम अल-क़ियामति बिहसनात अफ़ाल जिबाल दहमत अल-बैदा। लोगों को मैं जानता हूं अपनी उम्मत के क़यामत के दिन आएंगे क्या लेके, उफ अल्लाह बड़े बड़े पहाड़ लेके आएंगे, चमकते हुए नेक अमाल के, उनके नेक अमाल चमक रहे होंगे बड़े बड़े पहाड़ों के माने। अल्लाह उनके नेक अमाल को लेंगे और सजात कर देंगे, मिट्टी मिट्टी बना देंगे, धूल मिट्टी बन जाएगी। सहाबा तो चौक थे ना, सहाबा तो नेक अमाल करने की जस्तजू करते थे, अब तो कॉम्पिटिशन करते थे, या रसूल अल्लाह से फूला ना जो ढूंढा ना अल्लाह ने पूरा मिल हम वना खबर ना अलम रसूल अल्लाह हमने उनके ट्रेड्स बताए वो क्या करते होंगे ताकि हम उनमें से ना हो जाए उन्हें पता भी ना चले। कहा इन्नहु मिन इख्वानिकुम वो तुम्हारे भाई होंगे, वो मिन जिल्दतिकुम तुम्हारी स्किन कलर के होंगे, तुम्हारी लेगेसी में से होंगे। वो याखुदूना कमा ताखुजुन अल-लैल वो रात को उठ के ना अल्लाह हू अकबर तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते होंगे, रमजान में तरावते भी पढ़ते होंगे, इबादत भी करते होंगे, लेकिन वे करते क्या होंगे हजरत ने क्यों बताया उनके आमाल बर्बाद कर देंगे। वाइदा खलौ बिमहारिन अल्लाह तआला इल्ला दुआ जब वो तन्हाइयों में जाते होंगे तो अल्लाह के हुजूर को पामाल करते होंगे, वो तन्हाई की गुनाह करते होंगे, अकेले हैं जिनसे खातून से बात की, अकेले हैं तो पता नहीं क्या कुछ देखा अपने फोन पे, अकेले हैं जब किसी गीबत की और चुगली की और मुख्तलिफ सत्य सेल्स प्रेजेंस की और गुनाह किए, अल्लाह ताला की परवाह नहीं करते होंगे, वो लोगों से तो बचते होंगे। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं लोगों को डरना है इस बात से कि तुम लोगों के सामने तो अल्लाह के दोस्त हो और अकेले में अल्लाह के दुश्मन हो, लोगों के सामने माशाल्लाह तबारकअल्लाह सुभानअल्लाह क्या बात है अल्लाह बड़ा करीम है अल्लाह बड़ा, और अकेले में तुम अल्लाह के दुश्मन हो, तुम अल्लाह की परवाह ना करो, वो देख रहे हैं रब्बुल आलमीन ذو العرش المجيد فعال لما يريد مؤشر مالك وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ کی اور میری ٹانگوں کی قوت کھینچ لے ہمیں پیر پائی دے، آپ کی اور میری آنکھوں کی بینائی کھینچ لے ہمیں کچھ نظر نہ آئے، وہ رب العالمین دیکھ رہے اور ہم اس کے سامنے گناہ کر دے ہیں۔ تو اپنے ایمان پہ کام کریں اس رمضان میں، اللہ آپ کو زندگیوں میں ایک رمضان دے رہا ہے۔ رسول اللہ صحابہ کو شبری دیا کرتے تھے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، لوگوں تمہارے اوپر رمضان آنے والا ہے، رمضان کا بابرکت فضیل مہینہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور معلوم ہے جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ چلیے یہ بتائیں جہنم کتنے ہیں؟ جہنم کے سات ہیں اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نا ایک رحمت کا نشانی ہے کہ اللہ زیادہ لوگوں کو جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ يريد ان يتوب عليكم انت تطلب معاف کر تو سب کو اللہ تعالی خود کہتے ہیں ما كف الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے، مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے، ان شكرتم وامنتم تم شکر والے بن جاؤ ایمان والے بن جاؤ میرے باقی نہ بتا لو، اور اگر تم گناہ کر کے آئے تو پھر حساب کب ہوگا۔ لیکن اگر جتنے بھی گناہ ہو گئے لائف میں آج توبہ کر لی اور آج پلٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندوں سے کہہ دے جو اپنے نفسوں میں ظلم کرتے رہ گئے گناہ کر کر کے اللہ کی رحمت سے ناامید کبھی نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وہ تو سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ من يعمل سوء او يظلم نفسه ثم يستغفر الله، جس نے گناہ کاری کام کیے، زنا کیا، قتل کیا، منہ سے برا بولا، گالیاں دی، جو بھی کیا آج تک، او يظلم نفسه یا پھر نفس پہ ظلم کیا گناہ کر کر کے، ثم يستغفر الله اس کے بعد توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، یا رب انی تبتو الیک
तू इलाही या रब मैं तेरे तरफ तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे। यजदिल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह को बहुत माफ करने वाला पाएगा और रहम करने वाला पाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं या रब इंसान मा खरक रब्बी, ओए लोगो किस चीज ने तुम्हें रब से जुदा कर दिया, किस चीज ने तुम्हें रब से गुमराह कर दिया? एक खातून ने बस, कुछ माल ने बस, ये कुछ चीजें जो रब से इंसान को जुदा कर दे, ये तो रब से करीब करने वाली है। खातून से निकाह करके आओ, माल को हलाल तरीके से कमाओ, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। अल्लाह ताला तो कहते हैं जमीन और आसमान भर के गुनाह करके आ जाओ, शर्क ना किया हो तुमने मेरे साथ, तो मैं तुम्हारे सब के सब गुनाहों को माफ कर दूंगा। वाला उबाली मुझे परवाह नहीं होगी। और तौबा इस्तिगफार क्या है? तौबा इस्तिगफार है क्या हजार दफा सफर पढ़ने का नाम है? तस्बीहां फेरने के नाम तौबा इस्तिगफार नहीं है, और जिक्र की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सच्ची तौबा की तीन शराइत हैं और आज इनको अपने जहन में नक्श कर लें। पहली शर्त, पिछले गुनाहों में शर्मिंदगी और नदामत, इमीडिएट लीविंग ऑफ सिंस। दूसरी शर्त, फौरन से गुनाहों को छोड़ने का इरादा, यदि कि रमजान में या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तेरी तौबा, आंसू भी बहा रहे हैं मगर खराब रिलेशनशिप नहीं छोड़ रहे, झूठे की तौबा इस्तिगफार है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ, झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे, ये झूठा है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अस्तगफुरुल्लाह 100 दफा पढ़े, दो दो तीन तीन दफा कुरान खत्म कर रहे हैं मगर सूदी जॉब नहीं छोड़ रहे, ये झूठा है। मैं नहीं कह रहा, ये इमाम फजल इत्याज रहमतुल्लाह कहते हैं झूठे की तौबा है, फौरन से गुनाह को छोड़ना। और तीसरी शर्त, आइंदा कबीरा गुनाह करने का इरादा करना। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ऐसे जो लोग हैं ना, वो लम युसिरु अला मा फअलू, वो गुनाहों पे इसरार नहीं करते, लेकिन हम इंसान हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं, फिर तौबा करें। एक शख्स आया वहां हसन बसरे की बात, शेख मैं तौबा करता हूं, आंसू बहाता हूं, सच्ची तौबा करता हूं, गुनाह हो जाता है किसी से बात, फिर तौबा करता हूं, आंसू बहाता हूं, फिर जमीन पर फिर गुनाह हो जाता है। और कितनी दफा मैं कर चुका हूं, कब तक क्या करूं? रहेगा तो तौबा तब तक करता रहे जब तक शैतान उससे मायूस ना हो जाए, तब तक अल्लाह के पास रखता रहे, एफर्ट करता रहे, शैतान के साथ जंग मौत तक जारी रहेगी, अल्लाह के पास करते रहो और अपने ईमान पे काम करें। इस रमजान में जो ईमान आपको अपनी बिस्तर से उठा के मसल्ले पे खड़ा नहीं कर सकता, वो आपको अपनी कब्र से जन्नत तक कैसे पहुंचाएगा? وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.